पूरे विश्व में इस बारे में किसी को शंका नहीं है कि नया जब भी खतरा आएगा तो उसका जिम्मेदार कैसे ना कैसे चीन ही होगा। भारत में बड़े पैमाने पर कई सारे राज्यों में पक्षियों की मौत हो रही है, वो पेड़ों से गिर गिर कर मरे जा रहे हैं। हिमाचल के पौंग डैम एरिया में जहां पर माइग्रेटरी पक्षी आते हैं 1700 से ज्यादा मरे पाए गए और उस पूरे के पूरे एरिया को सील करना पड़ा। किसी भी प्रकार की टूरिज्म एक्टिविटी, किसी भी प्रकार की मानव एक्टिविटी को पूरी तरीके से बंद किया गया है। और केवल हिमाचल में इस प्रकार की नहीं हो रही है, राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय पक्षी मोर की इतने बड़े पैमाने पर मौत हो गई कि पूरा का पूरा राज्य अलर्ट मोड में आ गया। बहुत सारी खबरों में से एक खबर देखिए कि 170 से ज्यादा बर्ड्स यहां पर भी मरे पाए गए। केवल मोर ही नहीं, हर प्रकार के पक्षी इस समय मर रहे हैं। 450 से ज्यादा कौवे मर चुके हैं और इसके अलावा भी कितने सारे अननोटिस्ड बर्ड्स हैं जिनका अभी तक पता नहीं है। गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर भी बर्ड फ्लू का खौफ पहुंच चुका है और आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि ये सारे के सारे मामले बर्ड फ्लू से रिलेटेड ही हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि जिस प्रकार से बर्ड्स मर रही हैं या उनको नुकसान पहुंच रहा है या उनकी आबादी घट रही है, क्या ये जो प्रॉब्लम है इंसानों के अंदर भी आ सकती है? क्या इंसानों को भी इस प्रकार का बर्ड फ्लू परेशान कर सकता है? तो इसका जवाब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट के ऊपर मिल जाता है, जहां पर उन्होंने विस्तृत जानकारी दी है कि किस प्रकार से इन्फ्लुएंजा का H5N8 वायरस जो कि इन बर्ड्स को हो रहा है, उनसे किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन का खतरा को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, यानी कि हो सकता है। आप भी ये जानते हैं कि बर्ड फ्लू होने वाले पक्षियों को मार्केट के अंदर सेल नहीं किया जाता, क्योंकि उनको कंज्यूम करने से आपको नुकसान हो सकता है। इसका मतलब खतरा अभी गया नहीं है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इसी आर्टिकल के अंदर उन्होंने आगे बताया है कि ह्यूमन केसेस भी H5N6 वायरस के एक अलग क्लेड जो 2.3.4.4A है, वो चाइना के अंदर डिटेक्ट किया गया है और रिपोर्ट किया गया है। जानवरों के अलग अलग प्रकार के वायरस बैक्टीरिया इंसानों के अंदर आने की सबसे बड़ी जो खेप है, खान है, वो चाइना है, क्योंकि वहां पर जंगली जानवरों को सीधा ही खा लिया जाता है, उनको पकाया नहीं जाता। इस प्रकार की कई सारी वीडियोस आपने भी देखी होंगी। और ये जिस क्लैड के बारे में बात कर रहे हैं उसका मतलब होता है कॉमन एंसेस्टर, यानी कि इन्फ्लुएंजा ए जो कि H5N8 कहा जाता है, उसका ही एक क्लैड H5N6 है जो कि इंसानों को इन्फेक्ट करने के काबिल है। राजस्थान के अंदर जो बर्ड्स मरी पाई गई हैं, उनका सैंपल लिया गया और उनके सैंपल के बाद में ये पुष्टि की गई कि इनके अंदर भी बर्ड्स फ्लू के लक्षण ही नहीं, उनके अंदर वायरस भी मौजूद हैं। ताजा अपडेट के अंदर ये जानकारी सामने आई है कि 600 से ज्यादा जो बर्ड्स मरी हैं उनके अंदर बर्ड फ्लू यानी H5N8 के वायरस मौजूद थे। इसको एवियन इन्फ्लुएंजा का सब टाइप H5N8 कहा जा रहा है, जो कि डेंजरस नहीं है मगर फिर भी प्रिकॉशंस को लेना ही पड़ेगा। इस समय तक एक भी ऐसा केस मौजूद नहीं है कि बर्ड फ्लू यानी H5N8 की वजह से किसी भी इंसान को संक्रमण हुआ हो या उसकी मौत हुई हो, मगर फिर भी इंसानों को इससे दूर रखना जरूरी है और इन बर्ड्स को अलग से मार्कर और गाड़ देना ज्यादा जरूरी है। पबमेड के ऊपर, बेहद प्रतिष्ठित जर्नल के ऊपर यह आर्टिकल मौजूद है, यानी कि ऑथोरिटेटिव है, बिल्कुल सही जानकारी है कि इसका जो क्लैड है H5N8 का, यह इंफेक्शन कॉज कर रहा है माइग्रेटरी बर्ड से, मगर इसके अलावा और कोई जानकारी फिलहाल तक उपलब्ध नहीं है। अब आप इस बात को भी समझ लीजिए कि जो पुराना वायरस होता है उसका जो नया क्लैड है उसको मैच करने के अंदर समय लगता है, यानी कि अगर ये पुराने वाला वायरस H5N8 ही है, उसका कोई क्लैड यानी उसका कोई वर्जन या उसका कोई अलग प्रकार की स्पीशीज नहीं है, तो ये आइडेंटिफाई हो गया है कि कोई खतरे की बात नहीं है। मगर उसका क्लैड यानी कि उसका जो वर्जन है जो कि पैथोजेनिक है, उसको आइडेंटिफाई करने के अंदर साइंटिस्टों को कम से कम 15 से 30 दिन लगते हैं। पूरे के पूरे जेनेटिक मटेरियल की कैरियोटाइपिंग करने में समय लगता है। ये सभी काम करने में हमारी सरकार सक्षम है और इस समय हाई अलर्ट मोड में ऑलरेडी चल रही है। तो इस प्रकार की समस्याओं के अंदर निजात पाने के लिए आपकी अवेयरनेस भी जरूरी है। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई बर्ड इस प्रकार से कहीं मरी पाई जाती है तो आपको उसको ना तो हाथ लगाना है ना किसी और को हाथ लगाने देना है। सीधे तौर पर आपको प्रशासन को सतर्क करना है, उनको फोन करके बताना है कि इस प्रकार से यहां पर एक अजीब परिस्थिति के अंदर जो बर्ड मरी पाई गई है, इसका आप संज्ञान ले और उचित कदम उठाएं। मध्य प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार की समस्याएं दिखाई दे रही हैं, जहां पर बर्ड्स गिर गिर के मर रही हैं, बिल्कुल संदेहास्पद स्थिति के अंदर, और H5N8 वायरस होने की प्रबल संभावनाएं हैं। पक्षियों के मरने के सही सही आंकड़े कभी भी न्यूज मीडिया वेबसाइट के ऊपर आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि रिपोर्टर हर जगह नहीं रहते और हर जगह इंसान की नजरें नहीं पहुंच पाती, मगर जहां पर भी पहुंचती है इंसान अगर अवेयर
अवेयरनेस से काम करे और अथॉरिटीज को सतर्क करे तो ये जो बीमारी है ये आगे फैलने से भी रुकेगी। और ये बिल्कुल सही बात है कि राजस्थान की अगर सिचुएशन मानी जाए तो यहां पर जितने भी मुर्गी संचालक हैं वो हाई अलर्ट मोड में हैं, उन्होंने जितने भी अलग अलग फार्म्स हैं उनको सेग्रीगेट कर दिया है और कुछ जगह पर अथॉरिटीज के भी संज्ञान में आया है कि कुछ मुर्गियां मर रही हैं। इंसानों के लिए ये स्ट्रेन्स घातक नहीं है, घातक तो छोड़िए इंसानों को इन्फेक्ट भी नहीं कर सकते, मगर फिर भी हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी, ना इन बर्ड्स को कोई खाए ना आप उनको किसी जानवर को खाने दें। जो काम सरकारों का है वो सरकारें अच्छे प्रकार से कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।